दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, 10,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद बोले सीएम नीतीश, बिहार पुलिस में 44,000 स्वीकृति पदों पर जल्द होगी बहाली। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 44,000 स्वीकृति पदों पर शीघ्र ही पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। सीएम नीतीश ने पदाधिकारियों को इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार को गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में प्रति 1,00,000 आबादी पर 160-170 पुलिस कर्मी होंगे, इसके अनुसार आगे नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर सरकार को शीघ्र प्रस्ताव भेजने को भी उन्होंने कहा है। साथ ही देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित और इसे आगे भी इसी तरह कायम रखना है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी उपस्थित रहे। बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत प्रदेश के 21 जिलों में पारे में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ देखिए, पटना समेत पूरे प्रदेश में पछवा व उत्तर पछवा हवा की रफ्तार कम होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2-3 दिनों में तापमान गिरने के बाद अब पारे में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए पछवा की रफ्तार में कभी कमी तो कभी बढ़ोतरी देखी जाएगी, इसे सीधे तौर पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान को प्रभावित करेगा। वहीं आपको बता दें कि सुबह और शाम में ठंड की स्थिति रहेगी, लेकिन दोपहर में धूप थोड़ी तीखी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को राजधानी पटना समेत 21 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के 6 शहरों वाल्मीकि नगर, सुपौल, खगड़िया, सबौर, बांका व पूर्णिया में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, कटिहार, सहरसा का तापमान बढ़ा है। बड़ी खबर में देखिए, बीजेपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के कूड़ने में नया दाव, भूमिहर समाज से नीलाब को उतारा। आरजेडी नेता से कहा साथ आए अपने घर दीप जलाए। जहाँ देखिए बड़ी खबर है, सना मल्ला यानी मुकेश सहनी ने कूड़ने में सहनी उम्मीदवार का मोह छोड़कर भूमिहर जाति पर फोकस कर दिया है। उन्होंने यहाँ से 4 बार के विधायक रहे साधु शरण सहाय के पोते नीलाब को मैदान में उतार दिया है। वहीं देखिए इससे महागठबंधन और भाजपा का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया है। भाजपा और जेडीयू ने पिछड़ा वर्ग का दाव खेला है, जबकि मुकेश ने स्वर्ण पर। आपको बता दें कि इस पेचे का सबसे बड़ा कारण है जातिगत समीकरण। कुर्नी विधानसभा में लगभग 40,000 से ज्यादा भूमिहर जाति का वोट, यानी 7 जाति के करीब 30,000 वोट बैंक है। पिछले चुनाव में इतने ही वोट सनी को पहाड़ी में मिले थे। भूमिहर कैंडिडेट देकर सनी ने भाजपा की अगड़ी जीत के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की है। वहीं अभी इस वर्ग पर अपनी ताकत रखने वाली भाजपा ने यहाँ से अति पिछड़ी जाति के पूर्व विधायक केदार गुप्ता को टिकट दिया है। बड़ी खबर में देखिए, देश के प्रदूषित शहरों में टॉप 10, बिहार के पटना 10वें नंबर पर। जहाँ देखिए कोहरे और धुंध के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलने वाली हवा जहरीली हो गई है। इतना ही नहीं, देश के टॉप स्थान पर बिहार के सिवान, बेतिया और कटिहार के EQI लेवल 400 से अधिक हो गया है। वहीं देखिए प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने से यहां के लोगों की सांस पर आफत का साया मंडराने लगा है। अधिक धूल कण के मामले में देश के पहले स्थान पर बिहार का सिवान, दूसरे स्थान पर बेतिया और तीसरे नंबर पर कटिहार है। वहीं 10वें नंबर पर पटना है। वहीं देखिए विभिन्न शहरों के EQI लेवल की बात करें तो सिवान में 430, बेतिया में 424, कटिहार में 402, बक्सर में 390, मोतिहारी में 395, वहीं समस्तीपुर में 395, पूर्णिया में 367, मुजफ्फरपुर में 358, छपरा में 360 और पटना में 340 रहा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में BPSC सरसवड़ी PT का रिजल्ट और 68वीं का नोटिफिकेशन एक साथ। जहाँ देखिए बड़ी खबर, बिहार और लोक सेवा आयोग में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं को एक साथ दोहरी खुशी देने की तैयारी में BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तो बहुत ही जल्द आने वाला ही है। साथ इसके साथ 68वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना भी जारी हो जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों विज्ञापन को लेकर तैयारी तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के OMR सीट का मूल्यांकन हो चुका है। अब सफल उम्मीदवारों के OMR सीट का मैनुअल चेकिंग किया जा रहा है, यह काम भी लगभग पूरा हो चुका है। वहीं उन्होंने आगे भी कहा कि आयोग को अब तक लगभग 300 वैकेंसी प्राप्त हो चुकी है। PT परीक्षा होने तक जो भी वैकेंसी आएगा उसे इसे शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष से परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या रूपरेखा होगा, यह अभ्यर्थी के वोटिंग के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
बाड़ीघर में देखिए यूपी में अखिलेश यादव की मदद करेंगे नीतीश। मैनीपुर में डिंपल के लिए हुकार भर सकते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप। जब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों गैर भाजपा दलों की एकता के लिए अभियान चला रहे हैं। इस अभियान की एक झलक मैनीपुरी में भी दिखेगी। जदयू ने लोकसभा उपचुनाव में इस सीट पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को समर्थन देने का निर्णय लिया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई को कहा गया कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मैनीपुरी में समाजवादी प्रत्याशी की जीत के लिए काम करे। वहीं आपको बता दें कि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैनीपुरी जाएंगे या नहीं, लेकिन सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सपा के आग्रह पर और समय की उपलब्धता के आधार पर तय होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के अलावा कुछ और मंत्रियों के मैनीपुर जाने की संभावना है। बाड़ीघर में देखिए कटिहार में अग्निवीर रैली 18 नवंबर से होगा शुरू। 12 जिले के अभ्यर्थी रैली में लेंगे भाग। यह देखिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर जीडी सहित अन्य पदों पर भर्ती को लेकर 18 नवंबर से भर्ती रैली शुरू हो जाएगी। कटिहार के गढ़वाल ग्राउंड में 12 जिले के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। वहीं देखिए सेना भर्ती कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को खगड़िया, 19 नवंबर को बांका व कटिहार, 20 नवंबर को बेगूसराय, 21 नवंबर को मधेपुरा, पूर्णिया व सुपौल, 22 नवंबर को अररिया व मुंगेर, 23 को भागलपुर तथा 24 नवंबर को किशनगंज व सहरसा जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर जीडी पद के लिए भारतीय रैली में हिस्सा लेंगे। बाड़ीघर में देखिए अब दो बार लिया जाएगा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा, दोनों के बीच एक महीने का होगा अंतराल। यह देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सीबीएसई ने यह फैसला किया है कि अब 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा के स्कूल में दो बार प्री बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा। बोर्ड ने इसे लेकर सभी स्कूल को निर्देश भी जारी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए स्कूलों में दो बार प्री बोर्ड लिया जाएगा। बोर्ड द्वारा इसको लेकर सभी स्कूल को निर्देश दिए गए हैं। हर स्कूल में इसकी तैयारी में जुट गया है। पहला प्री बोर्ड दिसंबर और दूसरी बार जनवरी में ली जाएगी। इसको लेकर आयोग ने कहा कि यदि किसी का प्री बोर्ड रिजल्ट खराब होता है तो उन छात्रों के लिए स्कूल द्वारा अतिरिक्त कक्षा चलाई जाएगी। वहीं दोनों प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र स्कूलों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। प्री बोर्ड का रिजल्ट स्कूल को संभाल कर रखने का भी निर्देश बोर्ड द्वारा दी गई है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में बिजली का झटका लगेगा, 40% तक इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव। जी हां देखिए बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिक चार्ज में बड़े इजाफे का प्रस्ताव दिया है और इलेक्ट्रिक कंपनियों के इस प्रस्ताव पर अब विद्युत विनियामक आयोग अंतिम फैसला लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की बिजली कंपनी में दरों में 40% तक इजाफे का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव पर विनियामक आयोग सुनवाई करेगा और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बढ़ी हुई दरें नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होनी है। इसी नए साल में बिहार के अंदर 40% तक बिजली महंगी हो सकती है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में अगले वर्ष से 4 साल की होगी ग्रेजुएशन की डिग्री, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट। यह देखिए देश के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र 2023 से 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कार्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नियम तैयार कर लिया है, साथ ही इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि सत्र 2023 से सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने का विकल्प होगा या नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री के कई तरीके होंगे और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले स्टूडेंट को हर स्तर पर कोई न कोई सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल की अवधि पूरा करने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे, जबकि 2 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट को डिप्लोमा डिग्री प्राप्त होगी। बाड़ीघर में देखिए बिहार के 4.5 लाख किसानों को अगले 3 साल में मिलेगा बिजली कनेक्शन, हर खेत तक पहुंचेगा पानी। यह देखिए बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी अगले 3 साल में राज्य के 4.5 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देगी। वही देखिए इसे किसानों को डीजल पंप से छुटकारा मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। डीजल चलित पंपों के स्थान पर विद्युत चलित पंपों से पटवन करने में करीब 15% खर्च कम होता है। बिजली कंपनियों ने इसे संबंधित तैयारी कर ली है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में अग्निवीर भर्ती में 17 से 26 तक 8 जिलों की युवा लगाएंगे दौड़। जहाँ देखिए बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के अभ्यर्थियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 17 नवंबर से 26 नवंबर तक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के युवाओं के लिए चक्कर मैदान में दौड़ होगी। वहीं देखिए 27 नवंबर को बिहार झारखंड के सभी धार्मिक शिक्षक जेसीओ की भर्ती रैली होगी। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम जारी
जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 17 नवंबर को सभी 8 जिलों के टेक्निकल श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती रैली होगी। मुजफ्फरपुर से संबंध 8 जिलों के 60,000 से अधिक युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन निबंधन कराया है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती में शामिल होने के लिए शपथ पत्र, 10वीं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अविवाहित प्रमाण पत्र ले जाना होगा। साथ ही देखिए, सेना भर्ती निदेशक कर्नल बॉबी जसोटोरिया ने बताया कि मुजफ्फरपुर एआरओ से जुड़े सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के अभ्यर्थियों को कटिहार भर्ती में रैली में जाना है। खबर में देखिए, बिहार में बिजली कंपनी का बड़ा निर्णय, अगर किया अधिक बिजली खपत तो खुद बढ़ जाएगा लोड। जहाँ देखिए, बिहार में अब बताई लोड से अधिक बिजली का खपत करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली कंपनी ने यह तय किया है कि उपभोक्ता यदि खुद से अपने खपत के आधार पर अपने कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ाते हैं तो यह स्वयं लोड को बढ़ा देगी। हालांकि इससे पहले इस बारे में बिजली उपभोक्ता के मोबाइल पर एक चेतावनी संदेश जरूर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बिजली कंपनी पिछले कई महीनों से लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अधिक बिजली खपत होने की शिकायत मिलने से परेशान हो गया है, जिसके बाद बिजली कंपनी ने इस तरह की व्यवस्था की है। खबर में देखिए, बिहार में इस साल 14 कोल्ड डे और 42 दिन कोहरा पड़ने के आसार। जहाँ देखिए, ठंडक के सीजन में 14 कोल्ड डे व 42 दिन कोहरा पड़ने की आशंका है। औसत रूप में ठंड के सीजन में 4-5 दिन कोल्ड डे व 22 दिन कोहरे की आशंका रहती है, लेकिन इस बार कोल्ड डे व कोहरा दोनों अपने औसत से दोगुना रह सकता है। आपको बता दें कि ठंड का यह मौसम रोमांचक तो होगा, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे व सांस के रोगियों के लिए इसमें थोड़ी अधिक सावधानी अपनानी होगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन पांडे के अनुसार ज्यामितीय गणना के आधार पर इस बार औसत से अधिक ठंड रहेगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोल्ड डे व औसत से अधिक कोहरा पड़ सकता है। बड़ी खबर में देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता, बोले जयराम रमेश, उत्तर से दक्षिण तक डिमांड। ज्यादा के कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार का कद बढ़ता ही जा रहा है। सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह दावा किसी और का नहीं, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश का है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह के साथ रविवार को पटना पहुंचे कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार दूसरे सभी कांग्रेस नेताओं की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को बांका से होगी। 17 जिलों से गुजरते हुए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा का समापन बोधगया में होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।